नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के स्थानीय उत्पादन को छोड़ा और 10 स्क्वाड्रन के साथ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा पर बड़ा दाव लगाया। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स अपनी वायु रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसके तहत रूसी S-400 ट्रायम्फ के स्थानीय उत्पादन के बजाय स्वदेशी लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम के विकास को प्राथमिकता देने का विकास या विकल्प चुना गया है। दोस्तों, ये कुशा जो प्रोजेक्ट है या स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जितना ही ताकतवर है, ये भी उतनी ही दूरी तक मारक क्षमता है जितनी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की है। दोस्तों, ये निर्णय रूस में शेष दो S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी में देरी के बीच लिया गया है, जिसका कारण यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और वैश्विक रक्षा आपूर्ति सीरीज पर इसका प्रभाव है। रूस से 5 S-400 स्क्वाड्रन के भारत द्वारा अधिग्रहण को इसकी एयर डिफेंस क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में सराहा गया है। दोस्तों, S-400 को दुनिया की सबसे परिष्कृत सिस्टम में से एक के रूप में जाना जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान सहित हवाई खतरों की एक विस्तृत सीरीज को रोकने में सक्षम है। जबकि भारत को 5 में से 3 स्क्वाड्रन मिल गई हैं, शेष 2 की डिलीवरी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण बाधित हुई है। दोस्तों, जिसने रूस के रक्षा उत्पादन और आपूर्ति लाइनों को प्रभावित किया है, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि S-400 सिस्टम के स्थानीय निर्माण को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है। यह निर्णय डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भरता की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। इंडियन एयरफोर्स अब प्रोजेक्ट कुशा पर अपना दाव लगा रहा है, जो एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल के 10 स्क्वाड्रन विकसित करना। दोस्तों, पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्थानीय उत्पादन करने की सोचा जा रहा था, क्योंकि दोस्तों 2 स्क्वाड्रन में देरी होने के कारण रशिया ने कहा था कि आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में उत्पादन कर लीजिए, हम इसकी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे। पर दोस्तों, ना तो रशिया टेक्नोलॉजी दे पा रहा है और ना ही रशिया भारत को 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर पा रहा है, और भारत को दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, अब 10 स्क्वाड्रन प्रोजेक्ट कुशा के तहत नए एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी दूरी 350 किलोमीटर होगी, उसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, भारत के DRDO द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कुशा S-400 जैसी विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक मजबूत घरेलू विकल्प बनने का प्रयास करता है। इस परियोजना के तहत 3 प्रकार की लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंततः भारत के भविष्य के वायु रक्षा नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बनेगा। यह पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जो स्वदेशी विकास और उत्पादन पर जोर देता है। दोस्तों, रूसी रक्षा टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ने भारत के लिए भू राजनीति की चुनौतियां भी पेश की है, जिसमें अमेरिका के प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम कार्सा के तहत प्रतिबंधों का संभावित खतरा भी शामिल है। प्रोजेक्ट कुशा पर ध्यान केंद्रित करके भारत का लक्ष्य भविष्य में ऐसे जोखिमों को कम करना है। दोस्तों, भारत हमेशा किसी और देश से एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकता, और खासकर रशिया से तो नहीं, और चाइना भारत का दुश्मन है तो चाइना से तो खरीद ही नहीं सकता। इसलिए भारत को अगर पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम या टेक्नोलॉजी लेनी है या खुद डेवलप करनी है, तो भारत को रशिया से हथियार खरीदना बंद करना पड़ेगा, और बंद करना पड़ेगा तो भारत को खुद डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत नए एयर डिफेंस सिस्टम का विकास कर रहा है। दोस्तों, जबकि प्रोजेक्ट कुशा इंटरसेप्टर मिसाइलों की क्षमता के बारे में विशिष्ट विवरण गोपनीय है, रिपोर्ट बताती है कि तीनों मिसाइल सिस्टम क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई प्रकार के खतरों से निपटने के लिए सुसज्जित होंगे। इन मिसाइलों में आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में ऑपरेशनल प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एडवांस रडार सिस्टम, मल्टी रोल जुड़ाव क्षमता, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवाद की सुविधा होने की उम्मीद है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही विकासात्मक परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। एक बार चालू होने के बाद यह स्वदेशी सिस्टम भारत की मौजूदा एयर डिफेंस परिसंतियों का पूरक होगी, जिसमें आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सेम सिस्टम और इसके अलावा MRSAM और हाल ही में शामिल किया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम।
दोस्तों, स्वदेशी तकनीक के विकास के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सरकार 2028 से 29 तक इस सिस्टम को तैयार कर लेगी। और दोस्तों, आपको पता है कि भारत अगर इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन कर देता है तो भारत इनको एक्सपोर्ट भी कर पाएगा अपने दोस्त कंट्री को। यूक्रेन में S-400 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि अमेरिकी सिस्टम सचमुच विफल हो गए थे। यूक्रेन अब अटैक्स प्रोजेक्टाइल का उपयोग भी नहीं करने के लिए मजबूर है, क्योंकि पेंटागन का कहना है कि यह महंगा है और इसके लायक नहीं है। यूक्रेन के लिए ड्रोन का उपयोग करना बेहतर है। गार्डियंस के साक्षात्कार में जनरल सिरस्की ने भी कहा कि रूसी सिस्टम उन्हें सिरदर्द देते हैं, इसलिए वे अक्सर बैलिस्टिक मिसाइलों के बजाय ड्रोन के झुंड का उपयोग कर रहे हैं, और मैं रूसी सिस्टम से हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया यूक्रेन के युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा रशिया के किसी हथियार ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। बहुत से समाचारों में यहाँ तक कि आया था कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तो अभी ईरान में भी इसराइल ने इसको बाईपास कर दिया, और बहुत बार यूक्रेन ने भी रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। ये दोस्तों यूक्रेन का दावा है, पर दोस्तों इसलिए भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जैसी कंट्री भी S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम विकसित नहीं कर पाई है, और दोस्तों जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करे तो वो अमेरिका के लिए महंगा होगा। इसलिए यूक्रेन को भी बोला कि आप ड्रोन से हमला करो, ताकि अगर उसका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट भी करता है तो केवल ड्रोन का ही नुकसान होगा। भारत ने पहले से ही मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रखी है, और इसराइल के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर भारत ने बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है। इसके अलावा भारत ने आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का खुद निर्माण किया है, तो भारत को अच्छा खासा अनुभव है। और दोस्तों, कुशा प्रोजेक्ट के तहत भारत 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले प्रोजेक्ट कुशा के तहत ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा, जो 150 से 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की 3 मिसाइलें होगी, जो अलग अलग हवाई खतरों को अलग अलग तरह से निशाना बनाएंगी और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को 2 बेटियां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिल जाने के बाद अपने खुद के ही एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना चाहिए, या रशिया या अमेरिका से खरीदना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, एक लास्ट बात, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया, लगभग 6 महीने हो गए। मेरा चैनल भी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी चुनाव के समय, क्योंकि मेरे सारे वीडियो देश के लिए होते हैं, और जो देश विरोधी तत्व होते हैं उनको इस तरह के वीडियो पसंद नहीं होते हैं, इसलिए मेरा चैनल उन्होंने बंद करने की कोशिश की। पर दोस्तों, अब आपकी सहायता से वापस शुरू कर रहा हूँ, तो अपना सपोर्ट मुझे प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।